झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों गाय गोबर और गौमूत्र से भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने का मंत्र बांट रहे हैं, लेकिन मोदी जी के अर्थशास्त्री ना तो शिवराज की बात सुन रहे हैं ना ही गाय को अर्थव्यवस्था की नींव मान रहे हैं। कम से कम मोदी जी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो शिवराज की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन शिवराज की बात को सबने ठोकर मार दी है। फिर भी मामा शिवराज गाय के नाम पर खूब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मामा शिवराज का अर्थशास्त्र कितना सही है और कितना गलत, ये तो बात की बात है। पर आज हम आपको गाय के नाम पर मंत्रालय बनाने वाले मामा शिवराज के गाय प्रेम की हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको सच्चाई से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जिसके बाद गाय के नाम पर आंसू बहाने वाली भाजपा सरकार की असल मकसद से आप अनजान नहीं रहेंगे। क्योंकि गाय अगर दूध गोबर और मूत्र देती है तो वोट भी देती है। गाय गोबर और गौमूत्र जैसे शब्दों को भाजपा की डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो शायद गाय के नाम पर बीजेपी को घड़ियाली आंसू बहाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता आंखों में आंसू भरकर गाय की महिमा बताने लगते हैं, गोबर और गौमूत्र का चमत्कार बताने लगते हैं और गाय को बचाने की बात बात में अपील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि गाय कोई जानवर नहीं बल्कि गाय उनकी सगी रिश्तेदार हो। लेकिन इन आंसुओं के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा, इनकी बातों पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इन आंसुओं के पीछे एक भयानक सच छुपा हुआ है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान बहुत ही जुझारू और काबिल मुख्यमंत्री हैं। मामा शिवराज और उनकी पार्टी बीजेपी यानी दोनों ही हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद और गाय गोबर गोमूत्र का राग अलापते रहते हैं। उनकी आस्था गाय से ज्यादा गाय के गोबर और मूत्र में होती है। भाजपा और उनके नेता अक्सर गौ प्रेमी होने के दम भरते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे दो कदम आगे निकल गायों के लिए अलग कैबिनेट बनाने वाले एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वोट देने वालों के लिए कुछ करें या ना करें लेकिन गोबर देने वाली गाय के लिए तन मन धन के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का गाय प्रेम एक बार फिर से चिल्लाने लहाने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गौमूत्र और गोबर से देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है, यानी ऐसा ज्ञान सुनकर यूरोप अमेरिका समेत दुनिया भर के देश शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शिवराज के लिए एक इंसान से ज्यादा जानवर की चिंता सता रही है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गाय और बैल के बिना काम नहीं चल सकता है। सरकार ने अभ्यारण और गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक सरकारी गौशालाओं से काम नहीं चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हम मध्य प्रदेश में अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय से गोबर से और गौमूत्र से हम चाहे तो खुद को अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं और देश को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं, वो हमको स्थापित करना पड़ेगा। शिवराज ने कहा कि जब महिलाएं क्षेत्र में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सफलता सुनिश्चित है। आप भी सुनिए उनके इस वीडियो क्लिप को। गाय बैल इनके बिना काम चल नहीं सकता। सरकार ने अभ्यारण्य बनाए, गौशालाएं बनाई, लेकिन जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक सरकारी गौशालाओं से काम नहीं चलेगा। हम मध्य प्रदेश में अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमूल इसका उदाहरण है, आपने बताया कि ये गाय से गोबर से गोमूत्र से हम चाहे तो अपने खुद की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और देश को भी आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं, वो हमको स्थापित करना पड़ेगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि गोबर से, गोमूत्र से खाद भी, कीटनाशक भी और दवाइयां भी बन रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के शमशान घाटों पर लकड़ी नहीं, गोबर से जो बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाए। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गोबर से दूसरी और चीजें बनाने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी बीते साल ही शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाया है। इसमें 6 विभागों के मंत्री को भी शामिल किया था। इस कैबिनेट के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में गाय पिछले काफी सालों से चर्चा बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर राज्य भर में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। अब सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के गोप्रेम की हकीकत। शिवराज की गायों से कितना प्यार है इसे पता लगाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ महीने पहले की मीडिया रिपोर्ट देखकर ही गौरक्षा, मूत्र और गौमाता पर भाषण मारने वाले नेताओं की हकीकत सामने आ जाएगी। न्यूज 18 हिंदी ने इसी साल जुलाई महीने में बताया कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक गौशाला में महज 3 महीने के अंदर 61 गायों की मौत हो गई। आरोप है कि 10 महीने से गौशाला का भुगतान रुका हुआ था। वहीं लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक मध्य प्रदेश के सतना में गाय को जीप से बांधकर 3 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिसके बाद उस गाय की मौत हो गई। वहीं दैनिक भास्कर की 3 महीने पुरानी इस रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो गौशाला में 3 दिन में 15 गायों की मौत, दैनिक भास्कर ने बहुत मार्मिक शीर्षक के साथ इस खबर को लिखा है। गौशाला में 3 दिन में 15 गायों की मौत। राजगढ़ की गौशाला में बारिश में भरा है कीचड़, पानी में भीग रही गाय, 600 की क्षमता लेकिन मौजूद है 2000 गाय। तो ये साल 2021 की वो छिटपुट खबरें हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन आपको पिछले साल यानी 2020 में ले चलते हैं। नई दुनिया की इस खबर के मुताबिक आगर मालवा में ठंड के कारण 1 महीने में 500 से अधिक लावारिस गायों की मौत हुई। अब आपने देख ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार का गौ प्रेम। अगली बार जब मामा शिवराज या फिर बीजेपी का कोई नेता गाय के नाम पर आंसू बहाने का दिखावा करे तो आप टाइम्स मेल की हमारी रिपोर्ट को जरूर दिखा दें ताकि आंसू बहाने में नौटंकी फेल हो जाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहल ने भी क्या खूब फरमाया है, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।